जेडीयू प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री जमा खान, एमएलसी खालिद अनवर का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हम धन्यवाद देते हैं पार्टी के नेता मंत्री जमा खान को और एमएलसी खालिद अनवर को। हमारे नेता नीतीश कुमार के मूल मंत्र को लेकर खालिद अनवर और जमा खान ने 40 दिनों में 26 जिलों में घूमे, 120 मीटिंग की और ये बड़ी उपलब्धि है। दोनों नेताओं ने बड़ी ही बारीकी से प्रदेश में एक नया माहौल बनाने की कोशिश की, भविष्य में भी इस तरह का कार्यक्रम जारी रखेंगे। मंत्री जमा खान ने कहा कि पूरे बिहार की जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस जिले में जाते थे वहां हर समाज के लोग साथ रहते थे, सभी बातों को सुनते थे, पूरे बिहार में शांति सद्भाव रहे इसको लेकर हमने बिहार के लोगों से मिले, अपील की, सभी एक साथ हैं। एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि हमारी कारवां को रोकने की बहुत साजिश हुई, कुछ दंगाइयों ने, दंगा पार्टी के लोगों ने अररिया जिले के अंदर गाड़ी पर पत्थरबाजी भी करवाई। बिहार के लगभग जिलों में घूमने के बाद पता चला कि बिहार में 85% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो विचारधारा है ये देश और समाज उसी पर चलेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग बिहार में 40 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। भारत उनको हाथों हाथ ले रहा है, इसके लिए लोगों में खुशी, उत्साह और नीतीश कुमार जी के लिए, उनकी टीम के लिए बहुत ज्यादा सम्मान मैंने देखा। और हमारे जैसे, हम जैसे छोटे लोगों के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा हो जाना, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, यहाँ तक के 25-25 हज़ार लोगों का जमा हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। तो ये सिर्फ नीतीश कुमार जी के सम्मान की वजह से लोग जमा हो रहे थे। तो ये कारवा खत्म हुआ है और मैंने गांधी जी की जमीन से शुरू करके कर्पूरी ठाकुर जी की जमीन पर समस्तीपुर में ये कारवा का आखिरी प्रोग्राम हुआ, इस संकल्प के साथ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के लिए नासूर है और नीतीश कुमार के विचारधारा के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी के इस बीमार जहन का इलाज किया जा सकता है। जिस जिले में हम जाते थे, जो मोहब्बत और सद्भावना हमने देखा, जो भाईचारा देखा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आपस में बैठ के सिमिटिंग को सुनते थे, बातें को सुनते थे। हमारे नेता ने जो बिहार के अंदर काम किया, हर क्षेत्र में काम के साथ साथ हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस बात का ख्याल जरूर रखे, कम से कम भाईचारा मोहब्बत बना रहे, सौहार्द बना रहे, कोई उन्माद न फैलाने पाए, इसको लेकर हम लोग पूरे बिहार में गए। जो बहुत ही मोहब्बत मिला, हर हिंदू मुसलमान इस बात को तैयार था कि हम लोग नेता के साथ हैं। ये सही बात है, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो दिल्ली का बैठे हुए हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। इस बार हम लोग सब लोग तैयार हैं, क्योंकि हमारे नेता का काम बोला है। हमारा नेता जब से है बिहार के अंदर काम हुआ, काम के साथ साथ भाईचारा मोहब्बत बना रहा है। इसलिए आपके बीच में कहना चाहता हूँ, जो बिहार का हम सबका दौरा था, जो प्यार और सम्मान मोहब्बत मिला नेता के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ साथ सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आने वाले समय में बिहार का ये मैसेज मिला कि 40 का 40 हमारे नेता का नेतृत्व मिला और हर एक आने वाली पीढ़ी को, हर एक जात, हर एक समाज के लोगों को यह संदेश देने का माननीय नेता ने प्रयास किया कि इस प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए और इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए अगर कोई मूल मंत्र है तो ये प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेश में शांति का माहौल है, प्रदेश में गंगा जमनी संस्कृति को बरकरार रखने का प्रयास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धियाँ हैं उसको गांव गांव तक, जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने का काम किया गया, और जो आज देश के हालात है, जो जिसको गंगा जमनी तहमीज से कोई मतलब नहीं, जो उसको तोड़ना चाहता है, जो अफ्रीका पर ताकत है, उस ताकत को पुरजोर जवाब देने के लिए, और जो उसका उन्होंने जो आज आपातकाल की स्थिति लाया है देश में, जो लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, गौरवशाली इतिहास को बदला जा रहा है, इस सारे चीज को, जो हमारा संविधान है उसको जो खतरे में है, जो हमारे संविधान के संघीय ढांचे हैं उसको नष्ट किया जा रहा है, तो सारे चीज को देख रहे हैं, जो आज हालात है उस हालात से, तो इसको लेकर हमारे जो पार्टी के नेता सभी जगह, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम आवाम के साथ, जो हमारी उपलब्धियां हैं सरकार को सबको बचाने बताने का काम किया गया, काफी सफलता इससे, इस कार्यक्रम में मिला।